मॉर्बिडिटी का मतलब उन लोगों से है जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, फेफड़े की बीमारी, HIV, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी। कोमोर्बिडिटी वाले लोगों में वायरस का संक्रमण ज्यादा हो रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक इन लक्षणों में मामलों की संख्या काफी कम है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर AK वार्षणेय के अनुसार कोरोना संक्रमित लोगों में कई बार शरीर पर लाल रंग के निशान, डायरिया, मिर्गी के दौरे या कुछ लोगों में ब्रेन से संबंधित कई लक्षण सामने आए। वायरस के मुख्य लक्षणों में सामान्यतः बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ ही है। 90-95% वायरस से संक्रमित लोगों को बुखार जरूर होता है। सामान्य लोगों की तुलना में कोमोर्बिडिटी वाले लोगों में वायरस का संक्रमण जल्दी होता है। पहले से जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, ऐसे में लोगों में इम्यूनिटी कम हो जाती है और जब संक्रमण होता है तो वायरस गंभीर रूप से अटैक करता है। वायरस उनके फेफड़ों में तुरंत पहुंच जाता है और उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इसमें ज्यादातर बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाएं आती हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं की भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। सरकार ने जो नियम बनाए हैं, अगर उन नियमों का पालन ठीक ढंग से किया जाए तो संक्रमण का रिस्क काफी कम हो जाएगा। हमारे यहाँ रिकवरी रेट काफी अच्छा है, ठीक होने का रेट करीब 41% तक पहुँच गया है।